ये है हमारा वैक्यूम क्लीनर, ये हमारे टूल किट्स है वैक्यूम क्लीनर की, जितने भी किट्स होते हैं अलग अलग। अब हम चलते हैं वैक्यूम क्लीनर का कनेक्शन कैसे करना होता है। तो सबसे पहले हम केबल को लगाएंगे, ये रहा हमारा स्विच, ये रही हमारी केबल, ये हमारा स्विच होता है। सबसे फर्स्ट ऑल हमें स्विच में लगाना है, ये हमने लगा दी स्विच में। इसके बाद हम चलते हैं इसके हॉज पे, ये इसका इनलेट अकाउंट होता है, ये इसका ये आउटलेट पॉइंट होता है, ये होता है इनलेट पॉइंट। तो ये वाला हिस्सा हम इसके अंदर लगाएंगे। ये हो गया, इसके बाद जैसे गाड़ी की वॉशिंग वगैरह होती है, जो इंटीरियर वगैरह में, तो हमें सबसे पहले ये इसके ये टूल यूज होते हैं, इसको लगा के आप जैसे गाड़ी के कोने वगैरह होते हैं, मैट वगैरह होते हैं, इससे हम क्लीन करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे सब कुछ किसी का फ्लोर हो गया, फ्लोर पे क्लीनिंग करना है, मैट क्लीनिंग करना है, उसके लिए एक्सटेंशन होता है, ये इसके एक्सटेंशन टाइप होते हैं। इसको हम कंट्रोल करेंगे, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट और इसका पॉइंट मैच होना चाहिए, ये ऐसे हमने इसको लगा दिया, ये जोड़ दिया। एक हिस्सा हम इस घर को लगा देंगे, सूटेबल लगा के चेक करना होगा इधर टाइट जा रहा है, ये इधर लग गया। इसको बोलते हैं वाइपर टूल, इससे वाइपर पानी खींचना हो या मैट को फ्लोट पर करना हो तो इसको यूज़ करना है। आप कट करो वीडियो को।